तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। गाइस कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 48 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। दोस्तों, अगर मैच के पूरे अपडेट अच्छे तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 5 मई को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर इंडिया में। अब बात करते फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। पहली टीम राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही है तो वहीं 2 मैच जीत के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर गुजरात टाइटंस की बात की जाए तो 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है, 2 मैच हार के आ रही है। तो ये रहे दो टीमों का टीम फॉर्म। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे गुजरात टाइटंस 1 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दो टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में तो जहाँ पे राजस्थान रॉयल्स 1 मैच जीत के आ रही है तो वहीं गुजरात टाइटंस 3 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे 2 मैच से गुजरात टाइटंस आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 3 मैच में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो जहां पर राजस्थान रॉयल्स का 50% देखने को मिल रहा है तो वहीं गुजरात टाइटन्स का 70% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात की जाए तो राजस्थान रॉयल्स का 181 है तो वहीं गुजरात टाइटन्स का 166 है। हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो राजस्थान रॉयल्स का 212 है तो वहीं गुजरात टाइटन्स का 207 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स का 130 है तो वहीं गुजरात टाइटन्स का 125 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पे कंपेरिजन के मामले में दोनों का इक्वली फॉर्म देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी तो मोस्टली सनी यानी मौसम पूरी तरह से क्लियर रहने वाली है। अगर वहीं सेल्सियस की बात की जाए तो 31 सेल्सियस डिग्री देखने को मिलेगी। अगर वहीं ह्यूमिडिटी देखें तो 39% रहेंगे, वहीं 1% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है। तो इस पिच पे अभी तक टोटल 39 मैच खेले गए जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि डिफेंड करने वाली टीम की बात की जाए तो यहाँ पे कम रन लग सकते हैं इस पिच पे। वहीं अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पे इजली वे में मैच चेस कर सकती है। वहीं अगर इस पिच का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात की जाए तो इस पिच पे अभी फर्स्ट इनिंग में 158-60 के में भी रन जा सकते हैं। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में 146-50 रन में भी जा सकती है। अभी तक इस पिच पे जितने भी मैच हुए हैं काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। देख, ये भी मैच काफ़ी अच्छा होने वाला है तो आप लोग जरूर देखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो पहली टीम राजस्थान रॉयल्स की बात करें, नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। वहीं अगर दूसरी टीम गुजरात टाइटन्स की बात करें, नो डाउट ये भी टीम काफ़ी ज़बरदस्त है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है तो आप लोग जरूर देखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉन्स पे। अब चलते फिर दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम राजस्थान रॉयल्स के की प्लेयर की बात करें तो यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, कुलदीप यादव, सिमरन हेटमायर। वहीं दूसरी टीम गुजरात टाइटन्स के की प्लेयर की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या, शुभम गिल, साई सुदर्शन, मोहम्मद शमी। तो ये रहे दोनों टीमों का की प्लेयर जो के मैच में परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब लास्टली चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए गुजरात टाइटन्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।